नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज खबर फरुखाबाद की दुनिया तक। बेहोशी की हालत में मिला छात्र, परिजनों ने दी अपहरण की तहरीर। नकाबपोश बदमाशों ने बेहोश करके छात्र का किया अपहरण। कार्यवाहक थानाध्यक्ष बोले अपहरण की सूचना गलत। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। कक्षा 12 के पढ़ने वाला छात्र बेहोशी की हालत में परिजनों को मिला। छात्र के अनुसार कुछ नकाबपोशों ने उसे बेहोश करके उसका अपहरण किया, परंतु पुलिस ने अपहरण की घटना को सिरे से खारिज कर दिया। परंतु फिर भी इस वारदात के इलाके में खौफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता शारिक आलम खान की जानकारी अनुसार थाना क्षेत्र के गांव छिछोना पुरपट्टी निवासी शिक्षक राम अवतार सिंह का 16 वर्षीय पुत्र प्रभाकर सीपी विद्या निकेतन का 12वीं का छात्र है। छात्र के पिता फरीदपुर मंगलीपुर प्राथमिक विद्यालय में सहायक पद पर तैनात है। बीते दिन प्रभाकर अपने खेत को देखने पैदल गया। खेत पर पहले से ही मौजूद दो नकाबपोश बदमाशों ने प्रभाकर को पकड़कर कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर उसे बेहोश कर दिया। किशोर के घर न पहुंचने पर परिवारजनों ने किशोर की तलाश शुरू कर दी। छात्र पड़ोसी गांव नौगवां व ख्वाजा अहमदपुर कटिया गांव के बीच पुलिया के पास सड़क किनारे बेहोशी की अवस्था में मिला। परिजन छात्र को उठाकर घर लाए और सीएससी में शमशाबाद में उपचार कराया। होश आने के बाद किशोर ने पिता को बताया कि नकाबपोशों ने उसे खेत पर बेहोश किया। पिता ने ग्रामीणों की मदद से खेत पर अज्ञात नकाबपोशों को तलाशा, परंतु घटनास्थल पर कोई नहीं मिला, जिससे गांव में दहशत का माहौल बन गया। जिसके बाद शिक्षक राम अवतार ने दो अज्ञात नकाबपोशों के खिलाफ थाने में तहरीर दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। वहीं कार्यवाहक थाना अध्यक्ष अच्छे लाल पाल ने यूपी 76 न्यूज संवाददाता को बताया कि अपहरण की सूचना गलत है, मामले की जांच पड़ताल चल रही है। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसी खबर पाने के लिए। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। हम फिर मिलते हैं कहीं किसी और वीडियो में किसी और समस्या को लेकर किसी और खबर के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली, जय हिंद।